तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाएंगे कि RX 100 का जो क्लच में जो हाउसिंग रहता है, क्लच हाउसिंग जिसमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बैठता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो इसमें तीन रिपीट दिया गया जाता है, तो तीन रिपीट को बाहर निकालना है सबसे पहले। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब क्लच कवर में जो क्लच हाउसिंग है ये ठीक से काम नहीं करता है और क्लच ठीक से काम नहीं करता है, तो इसके लिए इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत पीले था, ये रबर ख़राब हो गया अंदर का। इसमें टोटल 6 रबर रहते हैं, देख सकते हो। ये रबर ख़राब होने के वजह से ये प्ले था बहुत, तभी देख सकते हो दोस्तों जितना भी रबर था सब रबर बाहर आ गया। तभी इस क्लच हाउसिंग को कपड़े से साफ करना है। साफ करने के बाद का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सामने से दिखा देता हूँ, देख सकते हो रबर ऐसा होता है, तो पूरा ख़राब है। तो अभी नया रबर को इसमें फिटिंग करेंगे, तो अंकल देखता हूँ क्या करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं। तो जैसे भी काम है दोस्तों आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो अभी नया रबर को इसमें फिटिंग हो रहा है, एक एक करके एक खाज में बिठा देना है रबर को। बैठ गया, तब इसमें 6 रबर रहते हैं, 3 रिपीट रहते हैं। अभी रिपीट का और ऊपर का जो कवर है, कवर को लगाएंगे। लगाने के बाद आपको दिखा दो कैसे लगाना है इसको, देख सकते हो। अभी पहले बहुत प्ले था, तो अभी प्ले खत्म हो गया, तो अभी ऊपर का कवर लगा रहा है। दोस्तों अभी इसमें जितना भी रिपीट था दोस्तों, ये 3 रिपीट को अभी इसमें फिटिंग करना है। तो अभी जो अंकल इधर था वो अंकल दूसरा काम में बिजी है, तो इसलिए दूसरा एक अंकल आया, तो इसको फिटिंग करेंगे वो रबर रिपीट को। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, बस इस क्लच हाउसिंग का प्ले होने का एक ही कारण है, जिसकि इसका रबर ख़राब हो गया, और रबर ख़राब होने की वजह से ये प्ले हो गया था और क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था, और रबर और रिपीट का ही काम है। और जो पुराना जो रिपीट था वो रिपीट को हम लोग चेंज कर दिया, अभी नया रिपीट डाल लिया इसमें। तो नया रिपीट को अभी ठोक ठोक के इधर बिठाएंगे, तो देख सकते हो क्लच हाउसिंग को ऐसा रिपेयर किया जाता है। और किसी भी जिसने भी गाड़ी में ऐसा क्लच हाउसिंग का ऐसा काम होता है, तो सब काम ऐसा ही किया जाता है। तो दोस्तों मेरे को जितना हो सके आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देख सकते हो अभी क्लच हाउसिंग एकदम प्रॉपर तरीके से ठीक है, तो अभी प्ले भी नहीं है एकदम भी। तो मैं आपको अभी सामने से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो देख सकते हो रिपीट को अच्छे से बिठा लिया अंकल ने। अभी इस साइड भी पूरा एकदम क्लियर है, तो मैं आपको एकदम और एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हो थोड़ा सा भी प्ले नहीं है, तो एकदम प्रॉपर तरीके से सही हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।